कोशिश करते हैं ना, कोशिश करते रहिए, दिन जरूर बने। चलिए पहला क्वेश्चन भैया है, हमको मैट्रिक से समझाएंगे। क्वेश्चन देखिए, ये है ना, आप देखो रेफरेंस, ये आपको पांच जो है फाइव है ना, ये क्या है कांस्टेंट है ना, फाइव क्या है कांस्टेंट है, इनको बाहर निकालिए। ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये डी एक्स। अब देखिए ये क्या है, पावर है ना, तो डिफरेंशिएशन में पावर गुना हो जाता है, पावर में से घट जाता है, तो पावर दो है, दो क्या होगा गुना, और पावर में से घटा दो तो पांच गुना क्या हो गया, दस एक्स हो गया ना, ये इनका आंसर हो गया। अगला जो है देखो साइन थ्री एक्स पर क्या है, थ्री है ना, तो यहाँ पर देखिए इसका कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट क्या है इसमें, किसमें थ्री है, वन बटे थ्री, वन बाय थ्री बाहर निकाल दीजिए, क्या बचा साइन थ्री एक्स बचा, क्या बचा बोलो, साइन का क्या होता है डिफरेंशिएशन, साइन का कोस, साइन का क्या होता है कोस, ऐसे कोस लिख दो, कोस लिख दिया जी, साइन का क्या होता है कोस। अब देखो x में क्या गुना है, थ्री गुना में है ना, तो यहाँ पर देखिए एंगल में क्या है, तीन एक्स है ना, तो यहाँ पर तीन एक्स रख दीजिए, रख दिए। अब x में क्या गुना है, तीन गुना है ना, तो आप क्या कीजिए तीन को गुना कर दीजिए। इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, जैसे इसमें गुना रहता है तो क्या करते हैं, हम भाग देते हैं, डिफ्रेंसिएशन में गुना में है तो किस में होगा, गुने में होता है। लेकिन क्यों ऐसा होता है, क्योंकि थ्री एक्स का जब आप डिफरेंस सेट करेंगे तो आपको क्या आएगा, तीन आएगा, क्योंकि तीन कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, एक्स का मान क्या हो जाता है एक, इसलिए ये तो आप निकाल करके ना लाते हैं, लेकिन डायरेक्ट ट्रिक के रूप में याद में रखिए कि ये एक्स में जो चीज गुना में रहेगा ना तो बाद में गुना हो जाएगा, तो ये तीन और ये तीन आपको कट गया, आपको बचा क्या थ्री एक्स, ये इसका आंसर हो गया। अब जो अगला भैया क्वेश्चन है, क्वेश्चन थ्री, ये इस प्रकार से है, इस कुछ प्रोसेस कीजिए, मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये हो गया ना। अब देखिए ई पावर एक्स का क्या होता है, ई पावर एक्स से होता है, इसलिए ई पावर क्या हो गया एक्स, लेकिन एक्स के स्थान पर क्या है एक्स स्क्वायर है, एक्स के स्थान पर क्या है एक्स स्क्वायर है ना जी, क्योंकि x रहता है तो x का डिफरेंशिएट क्या हो जाता है एक हो जाता है, x स्क्वायर का क्या होगा 2x होगा, x स्क्वायर का क्या होगा, यहाँ पर x स्क्वायर इसका डिफरेंशिएट देखिए पावर में क्या है दो है ना, तो दो क्या होता है गुना में, और पावर में से एक घट जाता है, दो में से एक गया क्या बचा एक ने बचा, तो देखो क्या हो गया 2x पावर एक्स पावर क्या हो गया 2, ये इनका आंसर हो गया। ये सब जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं सभी बीवीआई क्वेश्चन हो रहे हैं। अगला भैया क्वेश्चन देखो, अगला भैया क्वेश्चन है cos 2x, cos 2x अब देखो बनाएगा कैसे, cos का क्या होता है, cos का क्या होता है माइनस साइन, cos का क्या होता है एक चीज तो याद ही रख लो, क्या चीज साइन का क्या होता है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, कोस एक्स, कोस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, अब बोलो कोट एक्स का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, समझ गया ना, कोट एक्स का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, अब बोलो कोसेक एक्स का क्या होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, समझ गया ना, उसमें जैसे सेक में होता है जो रिलेशन वही इसका कोसेक में हो जाता है, समझ गया ना, तो सेक में क्या होता है सेक, सेक में सेक आएगा ही उसके डिफरेंशिएशन में, उनका जो संगत होता है क्या हो जाता है टेन, समझ गया, टेन के संगत वो आता है, तो सेक एक्स इंटू क्या हो जाता है टेन एक्स, ये जो कोस आता है ये किसके संगत आ जाता है कोट के, समझ गया ना, इसलिए माइनस कोसेक एक्स हो जाता है इंटू क्या हो जाता है कोट एक्स, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन। तो आप देखिए कोस का क्या होगा माइनस साइन हो गया ना, एंगल में जो रहे यहाँ पर रख देना है,
टू एक्स है तो क्या रख देंगे, टू। अगर सिंगल एक्स रहता तब तो कोई बात नहीं था। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक होता है ना, चूंकि यहाँ पर क्या है 2x है तो 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, 2 कांस्टेंट है, क्या हो गया, बाहर आ गया ना। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक होता है ना, इसलिए इसका क्या होगा माइनस टू साइन 2x। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो तो हमारे द्वारा बनाए गए सभी पार्ट को देख ले, आपका तैयारी हो जाएगा। अब देखो अगला भी है क्वेश्चन, हाथ की उतारते चलो। क्वेश्चन फाइव, उसे सब बोल भी रहा था, पढ़े मचा है डाका मेरे, तुम मार के भी रहे बोले क्या रे, तो आप क्लास में सुत रहे थी, खाना खा के जावे थी, निशान चढ़े थे, वो बहुत क्लास में जा रहे थे। वो एक्स का क्या होता है, ई पावर क्या होता है, एक्स का होता है ना, यही इसका आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखो भी है, लॉग टू एक्स, बोलो लॉग एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, वन बाय एक्स, एक्स के स्थान पर क्या है, बोलो टू एक्स है, यहाँ पर क्या होगा टू एक्स, टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये टू, ये टू का क्या बचा, ये इसका आंसर हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन, ई टू दी पावर क्या है, कोस एक्स है, ई टू दी पावर क्या है, कोस एक्स, आप बोलो ये यहाँ पर ई टू दी पावर कोस एक्स है ना, ई पावर एक्स का क्या होता है, ई पावर एक्स होता है, ई पावर एक्स होता है, एक्स के स्थान पर क्या है कोस एक्स है, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस क्या हो गया साइन एक्स ई टू दी पावर कोस एक्स, उतार करके रख लो, समझ गया ना, यही आएगा क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में है, ए टू दी पावर टू एक्स, समझ गया ना, तो फॉर्मूला ए पावर एक्स का क्या होता है, ए पावर एक्स लोग, ए पावर एक्स लोग, ए पावर एक्स, तो ए पावर एक्स, एक्स की जगह क्या है, बोलो टू एक्स है ना जी, क्या होता है लॉग ए, लॉग ए, ए की जगह तो ए ही है, तो यहाँ पर ए ही रख देना, हो गया ना। अब क्योंकि देखो यहाँ पर समस्या क्या है, यहाँ पर टू एक्स भी है, क्या है टू एक्स का क्या होगा टू, अब देखो अगला भी है क्वेश्चन देखो, एक्स बराबर क्या है ए कोस थीटा, वाई बराबर क्या है ए साइन थीटा, तो डी एक्स वाई डी थीटा, डी एक्स वाई डी थीटा, ये हो ये गया कोस थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा, डी वाई वाई क्या करोगे डी थीटा, क्योंकि यहाँ पर एंगल में थीटा है इसलिए थीटा के सापेक्ष हम डिफरेंशिएटिंग कर दिए हैं। अब देखिए ये हुआ है साइन थीटा का क्या होता है कोस थीटा, अब आपको फाइंड क्या करना है डी वाई बाय डी एक्स, यानी इसके मान में इसके मान से भाग दे दो, जैसे डी वाई बाय क्या हो गया आपका डी थीटा, और डी एक्स वाई आपका क्या हो गया डी थीटा, बराबर में देखिए डी वाई बाय डी थीटा ये क्या हो गया ए कोस थीटा, ए साइन ये माइनस आपको क्या हो गया कोट थीटा, ये खत्म, ये डी वाई बाय क्या हो गया डी एक्स, ये माइनस कोट थीटा, हो गया ना। तो आप बोलिए ये इसका आंसर हो गया, इसको समझने में दिक्कत भी है, ये यहाँ पर देख रहे हैं, है ना। अब देखिए इसका जो है डबल डिफरेंशिएट करना है, समझ गया ना, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो देखिए लेट वाई बराबर क्या मानिए एक्स पावर 20 हो गया ना, तो डी वाई बाय डी एक्स कीजिए, ये
पावर क्या होता है? गुना। पावर में से क्या होता है? घट जाता है ना। एक बार और डिफ्रेंशिएट कीजिए तो 19 दुनी क्या हो गया 38। एक्स पावर क्या हो गया? ये यहाँ पर ऐसे लिखिए और वाई को आप क्या माने हैं? क्या माने हैं? ये इसका आंसर हो गया। 380 का मतलब है गुना 3। देखिए हाँ ये आपका भी कहना सही है। देखिए 19 दूनी क्या हो गया 38। समझ गए ना 380 कहाँ से आया है। यहाँ पर आपको दिया है y बराबर रूट ओवर फाइव प्लस टू एक्स माइनस 4x पावर 5। ये डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू क्या होगा? तो dy बाय dx। अच्छा एक चीज फॉर्मूला आप जानते हैं, जैसे रूट ओवर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? रूट एक्स। ये होता है 1/2 रूट ओवर एक्स, यानी जो ये मान रहता है ना यहाँ पर उसमें नीचे में आ जाता है हर में, उसमें दूसरे गुना हो जाता है। तो ये मैं देखो यहाँ पर रूट ओवर एक्स है, यहाँ पर क्या आ गया? रूट ओवर एक्स है ना। अब 5 रहेगा, 5 रहेगा, 10 रहेगा, जो चीज रहेगा, हालांकि सिंगल 5 रहेगा उनका मान क्या हो जाएगा? 0 ही एन जी, क्योंकि कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0। अब देखिए ऐसा नहीं कि ये छूट जाता है, अब जो इसके अंदर में उसका भी डिफ्रेंसिएट होता है, एक हो गया ना, इसलिए 1/2 क्या होता है? 2√x होता है। तो यहाँ पर देखिए ये 5 + 2x - 4x पावर क्या हो गया? 5 हो गया ना। अब यहाँ पर देखिए इसको हम क्या लिखेंगे? 1/2√x होता है। क्या होता है? 1/2√x। 5 + 2x - 4x पावर 5। अब देखिए अब इसके जो अंदर में है इसका भी डिफरेंशिएट होगा, अंदर वाले का भी डिफरेंशिएट होगा। क्या होगा? 5 का 0, 2x का 2। अब देखिए ये जो 5 है इस 4 से गुना हो जाएगा, 5 × 20 हो गया ना। अब देखो पावर में से क्या होता है? क्या होगा? ये से हो गया ना। अब यहाँ पर देखिए 0 में 2 जोड़ेंगे तो ये होगा 2 और 20। एक्स को पावर क्या हो गया? 4। ये 2 × √5 + 2x - 4x पावर 5। 2 कॉमन इसमें से ले लीजिए या 2 से नीचे में भाग दीजिए, ऊपर में भी दीजिए, इसमें देंगे तो 1 होगा। 10x पावर क्या हो गया? 4√5 2x - 4x पावर 5। ये इनका आंसर हुआ। ये इस प्रकार से यहाँ पर मान लो कि लेट y बराबर, आपको y बराबर दिया है √cos(sin)√x। ये इस प्रकार से क्वेश्चन है, तो डिफरेंशिएटिंग करेगा x के सापेक्ष, किया ना। डिफरेंशिएटिंग मतलब क्या? d/dx दोनों तरफ गुना कर देगा, समझ गया ना। d/dx ऐसे d/dx ले लिए, और नियम है ना जी, इधर गुना करेगा तो इधर भी करना होगा। अब देखिए पहले तो सोचिए कि आप क्या सब फॉर्मूला जानते हो, बनाने का देखो ट्रिक क्या है, नियम क्या है। आपको सूत्र याद होना चाहिए, सूत्र जो लिखा दिए एक दिन क्या लिखा दिए हैं, अगर सूत्र याद है तो आप किसी भी डिफरेंशिएशन के सवाल को बना सकते हो, किसी का भी डिफरेंशिएशन निकाल सकते हो किसी फंक्शन का। ये क्या है? फंक्शन है, फलन है। ये क्या है? फंक्शन। अब देखिए तो ये किस फॉर्म में? रूट के अंदर में है। तो रूट वाले आप कौन सा फॉर्मूला जानते हो डिफरेंशिएशन के लिए? किसका फॉर्मूला? रूट ओवर एक्स का जानता है? नहीं जानता है। तो रूट ओवर एक्स का क्या होता है? 1/2 और रूट ओवर क्या होता है? एक्स होता है। तो रूट ओवर क्या होता है इसके? ये देखो पूरे स्थान पर इसको क्या मान लो? एक्स है। ये पूरा मान क्या है? एक्स है ना। तो समझ लो ये पूरे मान क्या है? एक्स है। साइन
यहाँ पर साइन रूट ओवर क्या हो गया, एक्स हो गया ना। यहाँ पर जो रहता है इसके अंदर में उसका भी डिफ्रेंशिएट होता है, एक्स होता है तो उसका वन हो जाता है क्योंकि यहाँ पर एक्स में है। तो बोलो यहाँ पर आपको क्या है, ये कोस है। बारी बारी सबका निकालते चलो, सबका मान निकल जाएगा। कोस का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है ना, क्योंकि एक्स की जगह क्या है साइन एन है जी। तो यहाँ पर क्या होगा, साइन है रूट ओवर एक्स। तो ये तो इसी का निकला, सिर्फ कोसे का ना। अब बचा आपके पास क्या, ये साइन बच गया। साइन का क्या होता है, कोस हो गया ना रूट ओवर एक्स। अब किसका डिफरेंशिएट होगा, रूट ओवर एक्स का। किसका होगा, रूट ओवर एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, वन बाय टू रूट ओवर एक्स हो गया। अब देखिए दो गुना दो क्या हो गया, चार हो गया ना। तो माइनस साइन साइन रूट ओवर एक्स कोस रूट ओवर एक्स फोर रूट ओवर कोस साइन रूट ओवर एक्स। बैठा लेना अपना, सत्या जी का बात नहीं रखे, सत्या जी का चलो रखिए देते। सत्या जी का जो है पूरा फैमिली बात रखता था, देखा है। मैं मायके चली जाऊंगी सीरियल, तो उसमें सत्या जी का जो है ना पूरे परिवार का आदमी उसी का बात चलता था। तो यहाँ क्या है, गुरु यहाँ क्या है, तेरह नंबर का जो सवाल है इस प्रकार से है, वाई बराबर रूट ओवर एक्स टेन लॉग रूट ओवर एक्स। देखो ये फंक्शन है ना जी, देखो इसमें कितने का जो है आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इन लो, एक हो गया, दो हो गया, तीन चार, इसमें दो ओवर निकलेगा सर। अब ये आपका यू हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया, समझ गया ना। नहीं कह दिए कि किसका किसका होगा। हाँ ये अब देखिए एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट कीजिए। तो देखो डी बटा डी एक्स दोनों तरफ गुना कर देना है, यही होता है एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएटिंग। वाई के सापेक्ष करना है तो डी बटा डी वाई से गुना कीजिए। तो ये कौन गाना निकालेगा, जेपी गावा गाएगा जी, आप देखिए इसमें यू इंटू वी के फॉर्मूला पर आ गया। फॉर्मूला हम लिख देते हैं, ये फॉर्मूला था यू भी वी डी यू बाय क्या होगा, डी एक्स प्लस यू डी वी बाय क्या होगा, डी एक्स होगा ना। आप देखिए वी होता है ना, वी का मान क्या है, वी का मान टेन लॉग रूट ओवर एक्स, ये है ना। अब यू का डिफरेंशिएट होता है ना, तो यू का मान क्या है, रूट ओवर एक्स। रूट ओवर एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, फॉर्मूला देखो याद होना चाहिए, याद नहीं है तो क्या समझेगा। फिर बीच में देखो क्या होता है, प्लस होता है ना। अब देखो यू होता है ना, क्या होता है गुना में यू, और यू का मान क्या है, रूट ओवर एक्स, समझ गया ना। अब ये टेन है ना, ये क्या है टेन, टेन का क्या होता है एक स्क्वायर लॉग रूट ओवर एक्स, एक्स हो गया ना। रूट ओवर एक्स का क्या होता है, रूट ओवर एक्स का क्या होता है, पहले लॉग का होगा और उसके बाद रूट ओवर एक्स का करेंगे, तो लॉग का क्या होगा, वन बाय रूट ओवर एक्स। रूट ओवर एक्स का क्या होता है, वन बाय टू रूट ओवर एक्स, रूट एक्स कट जाएगा। अब देखो हाँ एक को काट सकते हो, ये और ये क्या हो गया, कट गया। इसको आप सही से हम लिखेंगे, देखिए ये वन बाय टू रूट ओवर एक्स यहाँ पर भी है, ये कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, टेन लॉग रूट ओवर क्या हो गया एक्स, अब ये प्लस, तो ये सेक स्क्वायर लॉग
रूट ओवर एक्स, ये इसका आंसर होगा।